this video we are going to proceed exercise 3.4 of class 10th NCERT. We are going to solve sum number 2nd which have some word problems. First sum de vich jo type tonu given hai, a type assi 3.3 exercise vich vi kar chuke hain. ठीक है, तुसीं एक बार वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश भी कर लेनी है. स्टेटमेंट की है सम दी, इफ वी ऐड वन इन द न्यूमिनेटर एंड सबट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन इट बिकम वन ओवर टू इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो कंडीशन आपां नूं गिवन ने, वो मैं तुहानूं जब आपां कंडीशन तो इक्वेशन बनावांगे नाल दियां समझा देवांगा. सब तो पहले तुहानूं पता होवे कि इस टाइप दे विच अगर तुहानूं फ्रैक्शन फाइंड करन नूं कहा गया तां फ्रैक्शन फाइंड करन दे लई सानूं लेट की करना पएगा. फ्रैक्शन दे विच इक हुंदा न्यूमिनेटर इक हुंदा डिनोमिनेटर जो सानूं लेट करने पैणगे. तां लेट कर लांगे न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. जिहड़ी फ्रैक्शन असीं फाइंड करनी आ उहदा असीं न्यूमिनेटर लेट कर लिया एक्स एंड लैट कर लिया डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन किन्ना वाई. तो फ्रैक्शन की आ जाएगी अगर तुम न्यूमिनेटर एक्स मानते हो डिनोमिनेटर वाई मानते हो तो फ्रैक्शन की बन जाएगी फिलहाल के लिए एक्स ओवर वाई. फिलहाल ये साड़ी ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जिहड़ी कि असीं फाइंड करनी है. हुण देखो कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन फस्ट कंडीशन की आ कि इफ वी एड वन इन द न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर वन एड कर देना एंड सबट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर के विचों वन सबट्रैक्ट कर देना दैन फ्रैक्शन रिड्यूस टू जी फ्रैक्शन है वह कि बन जाती है वन दैन फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन फ्रैक्शन कि बराबर आ जाएगी वन. ये जी पूरी फ्रैक्शन है यह फ्रैक्शन की सी एक्स ओवर वाई ये फ्रैक्शन एक्स ओवर वाई जरा यह वन के बराबर आ जाएगी कदों अगर तुम न्यूमिनेटर वन प्लस कर दो डिनोमिनेटर वन सबट्रैक्ट कर दो. ठीक है, हुण असीं इदा की इक्वेशन किवें सॉल्व करते हैं. अगर पूरा डिनोमीनेटर इनू असी राइट साइड ले जाएंगे जा कह दिए कि असं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनू एनू ए. ठीक है, तो असी जोड़ा आ वाला वन हैगा ये वाला वन इनू एक्स प्लस वन करा मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस वन ही रह जाएगा इज इक्वल टू जो वाई माइनस वन आर वन के मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस वन ने ए वाले वन होना मल्टीप्लाई तो रह जाएगा वाई माइनस वन. ठीक है, कॉन्सटेंट एंड वेरीएबल सैपरेट कर दो ए वाई मैं इधर शिफ्ट कर दा लैफ्ट साइड तो वन मैं इधर शिफ्ट कर दा राइट साइड तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन ए वाला माइनस वन अगे लिखना तेरा आ वाला वन प्लस का इधर उन्हें उधर जाके नैगेटिव हो जाना माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नैगेटिव वन नैगेटिव टू ये बन गई फस्ट इक्वेशन इक्वेशन नंबर फस्ट. हुण जिहड़ी सैकंड इक्वेशन वह बनेगी सैकंड कंडीशन तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सैकंड सैकंड कंडीशन की आ इट बिकम वन ओवर टू कि जिहड़ी फ्रैक्शन आ जिहड़ी असीं फ्रैक्शन लैक्ट की हुई है वह कि बराबर आ जाएगी वन ओवर टू के इट इट मतलब कि फ्रैक्शन की गल हो रही है. फ्रैक्शन बिकम वन ओवर टू कदों इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमीनेटर अगर असीं वन ऐड करांगे डिनोमीनेटर ओनली इन द डिनोमीनेटर जिहड़ी फ्रैक्शन है वह वन ओवर टू के बराबर आ जाएगी कदों असीं डिनोमीनेटर विच वन ऐड कर देंगे. ठीक है, यह सी सैकंड कंडीशन. चलो हुण इत्थे उहदी क्रॉस मल्टीप्लाई करना टू नूं करांगे एक्स नाल बन जाएगा टू एक्स वाई प्लस वन नूं करांगे वन दे नाल मल्टीप्लाई बन जाएगा वाई प्लस वन सैपरेट द वेरीएबल्स वाई नूं इधर लियाओ तो बन गया है टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन ये बन गई तुहाडी इक्वेशन नंबर सैकेंड. हुण इन्हां दोवां इक्वेशन तुसीं वी वीडियो नूं पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मैथड. चलो सॉल्व करते हैं इक्वेशनस नूं किदां सॉल्व करांगे. सब तो पहलां तां इन्हां इक्वेशन इत्थे लिख लो अगेन फस्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सैकेंड इक्वेशन ते असीं इहनूं सॉल्व करांगे बाय एलिमिनेशन मैथड इस एक्सरसाइज विच असीं सारा ए वाले मैथड नूं ही डिस्कशन करना. एलिमिनेशन मैथड असी की करना हुंदा कि किसी भी एक वेरीएबल वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स नूं बराबर करना. तो इत्थे देखो वाई के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी बराबर ने तो कुछ करन दी ज़्यादा जरूरत नहीं हैगी. इत्थे भी वाई का कोफिशिएंट वन इत्थे भी वाई का कोफिशिएंट वन. ठीक है, जस्ट की करन दी लोड़ आ कि साइन दोवां दे सेम ने
ए का साइन भी नैगेटिव है, ए का साइन भी नैगेटिव है, ठीक है। जबकि सानू जो साइन ने वो दोवें ओपोजिट चाहिए ने, तो ओपोजिट साइन करने के लिए की करना पड़ेगा, सानू नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ए टू एक्स है पॉजिटिव नैगेटिव बन जाएगा, ए जरा वन वाई आ ये नैगेटिव इन की कर देंगे पॉजिटिव बना देवे, हम हमें पॉजिटिव बन चुके हैं, ठीक है याद रखना। ए वाला वन पॉजिटिव आ इन्हें भी नैगेटिव बन जाना, ठीक है। हम देखो इतने ए एक्स है पॉजिटिव, वन एक्स पॉजिटिव, टू एक्स नैगेटिव है, तो वन एक्स पॉजिटिव बच्चों टू एक्स नैगेटिव घटा देंगे तो माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है। इतने वाई ना वाई कैंसल हो गया, पॉजिटिव वन वाई तो नैगेटिव वन वाई, वाई नाल वाई वाले कैंसल हो गए, इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस ना माइनस कैंसल हो गया, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री। हुण एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, हुण असीं फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, कितना फाइंड करांगे, इक्वेशन फस्ट जां इक्वेशन सैकेंड दे विच एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं फस्ट इक्वेशन विच पुट कर जा रहा, देखो जिथे एक्स लिखा हुआ उत्थे एक्स है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो थ्री, ठीक है। माइनस वाई उदा ही इज इक्वल टू माइनस टू होते हैं, ठीक है। ए वाले थ्री इधर शिफ्ट कर दो कॉन्सटेंट नू कॉन्सटेंट दे वाले, तो लैफ्ट साइड की रह जाएगा माइनस वाई, साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन उदा ही रहेगा वाई के नैगेटिव साइन है ना, तो नैगेटिव साइन उदी रखना। इज इक्वल टू बाद इतने की आ रहा माइनस टू, तो माइनस टू ही लिखा, थ्री ने शिफ्ट होना उधर, इतने थ्री प्लस का उधर आगे थ्री हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव के बराबर आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे, माइनस ना माइनस कैंसल हो गया, तो वाई वैल्यू कितनी आ गई फाइव। एक्स भी फाइंड कर लिया तो वाई भी फाइंड कर लिया, अभी दोवें फाइंड कर लिया, एक्स असी मनिया सीगा न्यूमिनेटर, वाई मनिया सीगा डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, देयरफॉर जो असी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, असी फ्रैक्शन की मनी सी, असी फ्रैक्शन मनी सी एक्स ओवर वाई, हुण असी एक्स ते वाई दी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो रिपोर्ट कर देंगे दिस इज़ द फ्रैक्शन, ठीक है। इदा असी जिहड़े हैगे ने वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हां नूं सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस टाइप we are going to solve the word problem related to age of the two persons, is tarah in types nu si pehla vi 3.3 exercise vich kar chuke ha, jehde ki bahut important type ha age wali te fraction wali, theek hai। sab to pehla tusi ki kare karna, tusi pehla ta dekho ki tusi find ki karna chahunde ho, ja sanu requirement ki hai statement de vich, असी फाइंड करना कि जेडे नूरी की एज तो सोनू की प्रेजेंट एज कि, तो लैट कर लो पहले, तो लैट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज असी एक्स ईयर लैट कर ली, एंड लैट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज असी वाई लैट कर ली, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। जी हम फस्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फस्ट, फस्ट कंडीशन दे विच गल हो रही है फाइव ईयरस अगो की, मतलब कि पाँच साल पहला, तो जो असी कंडीशन नू यूज करना इक्वेशन दे विच कन्वर्ट करन दे लई, ठीक है, तो असी की करना कि जिन्ने साल पहला दी जां जिन्ने साल बाद दी गल हो रही है असी उन्ने साल दी एज कढ़नी है पहला, तो उरे गल हो रही है फाइव ईयर अगो की, तो लिखांगे फाइव ईयरस अगो, मतलब कि पांच साल पहला। अगर प्रेजेंट एज नूरी दी एक्स ईयर आ, तो पांच साल पहला कितनी होगी एज उदी, एज ऑफ नूरी पांच साल घट होएगी, तो एक्स माइनस फाइव, ऐदा ही एज ऑफ सोनू, सोनू दी पांच साल पहला एज कितनी होएगी, वाई माइनस फाइव, पांच साल घट होएगी, ठीक है। हुण असीं कंडीशन दा यूज करांगे, देखो जिवें जिवें इक्वेशन दे विच लिखिया होया असीं उवें उवें इक्वेशन बनांदे जाणा, ठीक है, जिवें जिवें इत्थे तुहानूं दित्ता होऊगा कंडीशन दे विच। 5 ईयर्स अगो नूरी वॉस, नूरी वॉस, जिथे नूरी वर्ड आ गया उथे नूरी की एज लिख दो, एक्स माइनस फाइव, जिथे हैल्पिंग वर्ब आ गया इत इजिकल टू पा दो, थराइस, थराइस का मतलब होंगे तीन गुणा, थ्री टाइम्स तीन गुणा, ठीक है, थ्री टाइम्स, टाइम मतलब ब्रैकेट पा दो, एज ओल्ड एज सोनू, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जगह पर सोनू की एज पा दो, ये थोड़ी फस्ट इक्वेशन बन चुकी है अकॉर्डिंग टू फस्ट कंडीशन, किदा नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, पर याद ये रखना कि पांच साल पहला की गल हो रही है, इस करके पांच साल पहला वाली एज का यूज करना। सॉल्व किदा करना, उन्होंने एक्स माइनस फाइव उदा ही, एक्स माइनस फाइव
इज इक्वल टू ए कर लो मल्टीपली ब्रैकेट 3y - 3y = 15। सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल नू वेरिएबल वाले पासे लेके जाओ, कांस्टेंट नू कांस्टेंट वाले पासे लेके जावांगे। एक्स दे विचों ए 3y माइनस हो गया, ठीक है। इधर राइट साइड की बचे -15, ये -15 दे विच ए वाला 5 जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव दा पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 15 है, तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स -3y इज इक्वल टू -10, ये वाली होगी थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हुण जिहड़ी सैकंड इक्वेशन है वह बनेगी कंडीशन सैकंड तो, अकॉर्डिंग टू सैकंड कंडीशन। जिहड़ी सैकंड कंडीशन उत्थे शुरू होंदी है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो मतलब पहले सानू 10 साल बाद दी एज कढ़नी पैनी है। सैकंड कंडीशन की कहा गया 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद किन्नी एज होएगी नूरी दी, एज ऑफ नूरी अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल बाद किन्नी होई, एक्स +10। इदां ही एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी होएगी, वाई +10, ठीक है। हुण असीं कंडीशन तो इक्वेशन बनावांगे किदां, देखो 10 ईयर्स लेटर नूरी, नूरी की गल हो रही है तो नूरी की एज लिख दो एक्स +10। विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज इक्वल टू पा दो ट्वाइस, ट्वाइस हुंदा डबल दुगना, टू टाइम्स, तो ट्वाइस मतलब टू टाइम्स ट्वाइस। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज कितनी है, वाई +10। अगेन सॉल्व द इक्वेशन, एक्स +10 एज इट इज, टू विल बी मल्टीप्ली विद द ब्रैकेट 2y + 20। सेपरेट द वेरिएबल्स, 2y विल शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट एंड 10 विल शिफ्ट टूवर्ड राइट। सब तो पहले इज इक्वल टू वालू इदी, जिन्हों असी शिफ्ट नहीं किया वो लिख लो, एक्स शिफ्ट नहीं किया 2y शिफ्ट करा, इधर हो जाएगा 2y माइनस था एक्स -2y, ठीक है। 2y नैगेटिव हो जाएगा। राइट साइड की है 20, ये 20 विच्चों ए वाला 10 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन की बन गई एक्स -2y इज इक्वल टू 10, ये बन गई थोड़ी सैकेंड इक्वेशन, ठीक है। तुसी हुण इत्थे वीडियो नूं पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है बाय एलिमिनेशन मैथड, तो कमेंट करके जरूर दसना कि तुसी सामनू सॉल्व कर पाए हो जां नहीं कर पाए। चलो अगे शुरू करते हैं, हुण इन दोवां इक्वेशन लिख लेंगे एक पास साइड पर, एक्स -3y इज इक्वल टू -10 फस्ट इक्वेशन, सैकंड इक्वेशन एक्स -2y इज इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं हुण इन्हां इक्वेशनज नूं बाय एलिमिनेशन मैथड दे नाल। एक्स के लिए कोफिशियंट्स ने ऑलराइड इक्वेट ने, देखो बराबर ने दोवें, एक्स के कोफिशियंट 1 1, सिर्फ साइन चेंज करने की लोड़ है, तो यह पॉजिटिव हैगा नैगेटिव हो जाएगा, ये नैगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह भी नैगेटिव है, ये सॉरी पॉजिटिव है नैगेटिव हो जाएगा, कैंसल आउट, दोवें इक्वेशनस कैंसल हो जाएंगे, दोवें टर्म्स 3y नैगेटिव है 2y पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, माइनस का 1y इज इक्वल टू -10 -10 -20, माइनस ना माइनस चेंज हो जू कैंसल हो जूगा, तो वाई की वैल्यू हो जूगी 20, वाई 20 है, वाई से की लैट किया एज ऑफ सोनू 20 ईयर है जी। हूँ ये वाई की वैल्यू तुम फस्ट इक्वेशन में पुट कर दो, भावें सैकंड में पुट कर दो, इतने पुट कर रहे मैं सैकंड इक्वेशन के, ठीक है। एक्स एज इट इज -2 इन प्लेस ऑफ वाई पुट कर देंगे 20 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 2 नू 20 ने करेंगे मल्टीप्ली बन जाएगा 40, इंप्लाइज एक्स -40 इज इक्वल टू 10, 40 नू शिफ्ट करेंगे राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 +40 तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, तो एक्स असी लैट किया एज ऑफ नूरी, देयरफॉर एज ऑफ नूरी किन्नी आई प्रेजेंट एज 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू प्रेजेंट एज ऑफ सोनू किन्नी आई सी 20 ईयर्स।